जिनकी हमने पहले ही लिस्ट जो है बार काउंसिल में भेज दी है, और ये 1 और 2 तारीख को हमारा ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी जिसका आज समापन हो गया है। तो अच्छा व्यवहार है, हम किसी के अच्छे बुरे में नहीं है, सबके से सोहना में होने वाली बार एसोसिएशन चुनावों की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म हो गई है। अगर बात करें नामांकन करने वाले उम्मीदवारों की, तो प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं सचिव पद के लिए भी 2 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है, तो वहीं उप प्रधान पद पर कब्जा जमाने के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, तो 5 प्रत्याशी सह सचिव के पद पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं, यानी कि कुल 11 उम्मीदवार सोहना बार एसोसिएशन में अलग अलग पदों पर चुनावी रण में कूद गए हैं, जिनमें फर्मों की स्क्रूटनी शनिवार 3 दिसंबर को होगी, तो फार्म निकालने की तारीख 5 दिसंबर की है। पास जिन भाइयों ने यहाँ करके नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है, उसमें प्रधानी के लिए 2 उम्मीदवार हैं, वाइस प्रधानी के लिए भी 2 हैं, और सेक्रेटरी में भी 2 ही भाई हैं, और ज्वाइंट सेक्रेटरी में 5 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने आज यहाँ करके नॉमिनेशन दिया है। कितने आपके वोटर यहाँ पे हैं? आज का जो स्टेटस है उसके अनुसार 450 वोटर हैं, जिनकी हमने पहले ही लिस्ट जो है बार काउंसिल में भेज दी है, और ये 1 और 2 तारीख को हमारा ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी जिसका आज समापन हो गया है। 3 तारीख को जो है स्क्रूटनी का है, इनकी जांच करेंगे कि ठीक पाए जाते हैं या कोई त्रुटि है, और 5 तारीख को जो है विड्रॉल का है कि अगर जो कोई भाई वापस लेना चाहता है तो उनको एक जो है डेट दी जा रही है 5 तारीख, तो वो वापस भी ले सकते हैं। उसके बाद 16/12/2022 को हमारा इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसकी फीस वगैरह भी कुछ रखी गई है? बिल्कुल, हाँ, इसकी फीस ये है कि प्रधानी के लिए 21,000 और सेक्रेटरी के लिए 15,000 और वाइस और ज्वाइंट पद के लिए जो है 11,000 रुपए बार की तरफ से जो शुल्क रखा हुआ है। बता दें कि 16 दिसंबर को बार एसोसिएशन चुनाव होगा, जिसके लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाले 16 दिसंबर को ही स्पष्ट होगा कि कौन कौन से प्रत्याशी के सर पर जीत का सहरा सजता है। सर, मैंने जॉइंट सेक्रेटरी के लिए किया सोना बार एसोसिएशन जी, ये सभी की सहमति, मेरे जितने भी जूनियर एडवोकेट हैं उनकी भी सहमति है। लेकर क्या मानते हैं जीत को लेकर? भाऊ जी, हम काफी टाइम से प्रैक्टिस में भी बैठे हुए हैं और सभी अधिवक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार है, हम किसी के अच्छे बुरे में नहीं है। मैं उम्मीद जता सकता हूँ वो जी, मैं सबके समर्थ वो सहयोग से खड़ा हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति ने नहीं खड़े किया, हमारे पूरा जो अधिवक्ता अपना ये बार है इसने खड़ा किया हूँ, तो मेरे हिसाब से जीत हो जानी चाहिए। बता दें कि बार एसोसिएशन चुनाव में कुल 11 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 1 नामांकन गुरुवार को दाखिल किया गया और बाकी नामांकन शुक्रवार को दाखिल किए गए हैं, जिनका चुनाव 16 दिसंबर को होगा। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।